अरे यार, क्या प्रॉब्लम हो गई है मेरे लैपटॉप में? मुझे तो कुछ आता है नहीं। अरे यार ये आ रहा है ना, इससे पूछते हैं। इसको कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है, तो चलो इसके बारे में पूछते हैं। अरे भाई बता ना, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, देखना इसको। हाँ ला भाई। अरे ये क्या प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर? क्या हो सकता है? अरे भाई तेरा ये लैपटॉप ही ख़राब हो गया है, बेच दे इसको, पूरा ही ख़राब हो गया है। आता जाता तो कुछ है नहीं, मैंने सोचा इसको बहुत कुछ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होगा, और कुछ भी आता जाता नहीं है इसको। अरे यार, बेइज्जती हो गई। मेरे बारे में क्या क्या सोचता होगा? उसको तो लगता है मुझे कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता है। काश मैंने सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होते, तो शायद मुझे आज इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, और मैं इसे आसानी से चुटकी में हल कर देता। तो क्या आप भी ऐसी बेइज्जती से बचना चाहते हो? तो आइए टेक्निकल दोस्त इंडिया सत्यपाल शर्मा के चैनल पे और देखिए वीडियो। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जनरली जो प्रॉब्लम आती है, लगभग सबके ही आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विंडो प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे आप लैपटॉप या जो डेस्कटॉप अपने घर में यूज़ करते हो, उनके अंदर लगभग विंडो की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो जिस भी को विंडो लगाना या विंडो इंस्टॉलेशन नहीं करना आता है, तो नीचे वीडियो दिया गया है, उसका लिंक दिया गया है, जाके देखिए और विंडो इंस्टॉलेशन कीजिए। प्रॉब्लम नंबर एक थी विंडो वाली, और प्रॉब्लम नंबर दो ज़्यादातर क्या होती है, पेन ड्राइव विंडो तो लगानी बहुत सारों को आती भी होगी, लेकिन पेन ड्राइव को ब्यूटेबल कैसे करें? क्योंकि आज के टाइम में जितने भी लैपटॉप आते हैं, उनके अंदर डीवीडी राइटर ऑप्शन वाला नहीं आता है जनरली, अब जो नए लॉन्च हो रहे हैं उनके अंदर। तो पेन ड्राइव से ही हमें क्या है, उनके अंदर विंडो इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। पेन ड्राइव को कैसे ब्यूटेबल बनाएं, उसका भी वीडियो मैं नीचे दे रहा हूं, तो उसमें लिंक है, जाके आप देखिए, तो इन समस्याओं से आप भी बच सकते हो। और उसके बाद सबसे और भी प्रॉब्लम आती है, वो क्या प्रॉब्लम है, जनरली जो ड्राइवर होते हैं अपने, जैसे ब्लूटूथ है, वीजीए है, साउंड है, तो इन सब का भी सॉल्यूशन करने के लिए नीचे वीडियो दिया गया है, उसमें जाके देखिए और आप भी इन समस्याओं से बचिए। धन्यवाद।